हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं एक और धमाकेदार प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये वाला प्रोडक्ट ऐसा है कि यार बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे एक टाइम था जब स्पिनर आया था, जब मार्केट में नया नया मूवीज़ में जो है अलग अलग हीरोज़ जो होते हैं उसको घुमाते थे, और उसके कारण जो है मार्केट में उसकी डिमांड थी, उससे भी ज़्यादा अभी जो है ये प्रोडक्ट की डिमांड है। स्पिनर था, फिर स्लाइम जेली नया आया था उस टाइम पे भी काफ़ी डिमांड थी, उसके बाद योयो, और उसके अलावा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बेब्लेड था। तो ऐसी सब चीज़ें जो है ना मार्केट में उसकी काफ़ी यार ट्रेंडिंग थी। तो अभी ये वाला प्रोडक्ट जो है उसका भी ऐसा ही है ट्रेंड। तो आई होप आपको आपने गेस जो है कर लिया होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉपिट की। तो पोपिट जो है ना यार है कैसा खिलौना है, वैसे इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट यार यूट्यूब के कारण, फेसबुक के कारण, टिकटॉक के कारण यार बहुत ये ट्रेंडिंग में आ गया है, और बच्चे जो है ना स्पेशली इसके टारगेट है छोटे बच्चे, और वो लोग जो है ना मतलब पागल है इसके अंदर। मतलब हमारे रिटेल शॉप में भी डेली के जो है 50-60 ये बिक जाते हैं, और वैसे इसका कोई इतना मीनिंग नहीं है, बट फिर भी जो है ये बहुत ही बिकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ जो है बनाए हैं इसके अलग अलग डिज़ाइंस के और इसके कलर वेरिएशंस के, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अभी फ्यूचर में जो है इसके कीचेन आएंगे उसके भी रिव्यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारे शेप्स आने वाले हैं, कलर्स आने वाले हैं, तो उसके भी जो है हम रिव्यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। तो सबके वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला जो है मेड इन इंडिया पॉपिट है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हेक्सागन है, उसके बाद ये स्क्वायर है पॉपिट। अभी जो है मैं इसको खोल के भी आपको बताऊँगा। फिर ये वाला जो है थोड़ा सा ठंडा कलर पॉपिट का, ठीक है। अब ये कौन सी कंपनी है वो मुझे पता नहीं है, इन लोगों ने कंपनी की डिटेल जो है हाइड की हुई है, क्योंकि गोपोप जो है ना एक ब्रांडेड कोई कंपनी है, उसकी कॉपी इन लोगों ने बनाई है। फिर यहाँ पे एप्पल का भी शेप है इसके अंदर, तो टोटल चार शेप है यहाँ पे। तो अब इसको जो है हम बारी बारी करके खोल के एक बार देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है ये वाला खोल लेते हैं। तो इसकी कीमत दोस्तों 130 रुपये है। तो ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है ना जो लोग मोल्ड क्या बोलते हैं चॉकलेट मोल्ड्स और सिलिकॉन के बेस पे रबर या तो सिलिकॉन आता है मटेरियल, उसके बेस पे जो भी लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग भी पॉपिट बनाने के मार्केट में घुस चुके हैं, क्योंकि काफ़ी अभी ट्रेंड चल रहा है, और अभी मुझे लग रहा है 6-7 महीने तक तो चलेगा। और इसका जो है मोबाइल के कवर्स जो है उसमें भी ट्रेंड आ चुका है। तो बड़े लोग जो है अभी, ये तो सब बच्चे ही खेलते हैं, पर बड़े भी जो है ना वो भी इसको अपने मोबाइल पे लगाएंगे। वैसे इसको लगाने के बाद, इसके पॉपिट को लगाने के बाद जो है मोबाइल कवर के अंदर जेब में रखना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा इसके स्पिनर्स आते हैं पॉपिट वाले, वो भी काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी एक चीज़ है। तो यहाँ पर ये वाला पॉपिट है, तो इसको हम प्रेस करते हैं। तो ये एक्चुअल में हमने इसके पहले जो वीडियोस बनाए थे ना उसके कंपेयर में ये जो है ना मटेरियल थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा थिक है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इसका प्राइस जो है 10 रुपये ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसके पहले जो भी बनाया था तो इसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत है उसके कंपेयर में। तो अभी जो है मैं सभी को करता हूँ। तो इससे गेम कैसे खेलना है उसके भी मैं वीडियोज़ में आपको समझा देता हूँ, कि भाई जैसे कि दो लोग यहाँ पर बैठे हैं तो सामने सामने जो है इस तरीके से आप दबाते जाएंगे और लास्ट वाला जो बचेगा, जिसका लास्ट पॉपिट जो है ना वो बच जाएगा, वो हार जाएगा, ठीक है, उस तरीके से कुछ करना है आपको। तो जो मेड इन इंडिया है उसमें आपको थोड़ा सा, लोगों ने मटेरियल तो हैवी यूज़ किया है, बट आप इसको दबाएंगे तो थोड़ा सा इसको आपको जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा सभी अंदर चले गए। अब इसको हम यहाँ से करते तो देखते कितनी आवाज़ आती है। यार ये सही है, क्योंकि हमारा जो पहले के जो चाइना के आते थे ना पॉपिट, उसके कंपेयर में जब इसको एक बार प्रेस करने के बाद हम जब रिवर्स करते हैं और आवाज़ आती है वो काफ़ी सही आती है, तो मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल है। चलिए अब दूसरा शेप है उसको भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, बट आपको जो है सभी शेप की आवाज़ जो है कितनी आती है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे बच्चों को तो ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बच्चे खरीदते इसीलिए है कि उस वीडियो जो है इसका ट्रेनिंग वीडियो, उसमें आवाज़ आती है, बट वैसे आवाज़ एक्चुअल में आती नहीं है, तो बच्चे जो है जनरली लेते हैं उस कारण से ही। बट वो जो है ना क्या बोलते हैं कि ऑडियो एडिटिंग किया हुआ वीडियो है, तो उसको आप ट्रस्ट ना करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये भी 130 का ही है। और इनकेस यार दोस्तों, अगर आपको ये कहीं पर नहीं मिल पाता ये प्राइस में,
ये डिज़ाइन नहीं मिल पाता है, तो ये आप हमसे भी ऑर्डर करवा सकते हैं, बट आपको जो है 130 प्लस डिलीवरी चार्जेस एडवांस पे करने पड़ेंगे पेटीएम के जरिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं गेम को। तो इसको भी जो है आप थोड़ा सा जोर लगा के दबाना पड़ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना हैवी मटेरियल है, और इसको जो है आपको ज़मीन पे रख के ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही हवा में रखेंगे तो ये अच्छे से प्रेस नहीं होगा। कई बार तो यार मुझे ऐसा लगता है कि जो पैकेजिंग मटेरियल आता है ना, बबल रैप जिसको बोलते हैं, वही बेचना आप तो शुरू कर देते हैं एज ए खिलौना, बट बच्चे शायद उसको खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उसमें कलर्स नहीं होते हैं, प्लेन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बट उसमें मस्त फूटते हैं एयर बबल्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे फूटते हैं। तो इसके अंदर बच्चों को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने कस्टमर्स आते हैं वो एकदम छोटे बच्चे ही होते हैं, जो कि वीडियोस जो है उससे प्रभावित होकर आते हैं, और उनके हाथों में शायद उनकी उंगलियों में शायद इतनी ताकत ना हो इसको दबा पाए, बट इसमें फूटेगा ज़बरदस्त, क्योंकि मटेरियल जो है ना हैवी है। चलिए रिवर्स कर लेते हैं और फोड़ते हैं इसको। वाह मस्त फूटा यार ये, एक्चुअल में जो वीडियो में जितनी आवाज़ आ रही है उसके लेवल का ही है ये। तो इसमें दोनों साइड आवाज़ नहीं आएगी, एक साइड आपको पहले दबा के रेडी करना पड़ेगा, फिर दूसरी साइड आवाज़ आएगी। तो उसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक आइडिया मुझे आया है कि इसको खेलना कैसे चाहिए, कि पहले जो है ना दो लोग दो प्लेयर इससे खेल लेते हैं, सभी को प्रेस कर लेंगे दोनों खेल के, और जो भी जीतेगा वो क्या करेगा, इसको रिवर्स करेगा और सभी बबल्स को जो है फोड़ देगा, तो उसका विनिंग अनाउंस करने का एक जो है नया तरीका बन सकता है। काफ़ी रबरी है आप देख सकते हैं। अब ये स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी है ऐसा लोग बोलते हैं, बट इससे क्या स्ट्रेस रिलीफ होगा यार दोस्तों, पता नहीं, अब जो भी है। तो चलिए इसको जो है शुरू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हैवी मटेरियल है तो इसको ज़रा जोर करके खुद से ही बाहर आ रहे हैं पूछे बिना मुझे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, एक्चुअली मटेरियल बहुत ही हैवी है, तो ये बबल जो है ना अंदर की साइड अगर आपको रखना है थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बाद में जो है थोड़ा सा भी इसमें वाइब्रेशन आता है तो ये फूट जाता है। तो ये बच्चों के बस की बात नहीं है ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप इसके अंदर खेल सकते हैं। अब हमारा लास्ट शेप है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कलरफुल है। तो बच्चे जो है इसके कलर्स को देख के ले तो जाएंगे, बट यहाँ पे जैसे कि एक बार ऐसा कर दिया प्रेस तो बच्चों से होगा नहीं, बहुत ही हैवी मटेरियल है। थोड़ा सा इसमें जो है ना धीरज लगा के धीरज से इसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये अंदर तक बैठेगा नहीं, बट फूटेगा मस्त पीछे अगर जब आएगा ना तब मस्त फूटेगा। तो दोस्तों आपके पास कौन कौन से शेप हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कौन से कलर्स हैं, कौन से शेप्स हैं।
तो चलिए अब सबको फोड़ देते हैं जितने अच्छे से हुए हैं उसको। वाह बस फूट गया दोस्तों। तो इस तरीके से जो आप इससे खेल सकते हैं, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन कलर्स और शेप्स आते हैं, तो आप जो है हर बार कुछ नया नया ले सकते हैं। और बड़ा वाला जो आता है ना, इतना बड़ा वाला एक आता है स्क्वायर, उसको आप अपनी गाड़ी के पीछे डेक होता है उसके ऊपर भी रख सकते हैं सजावट के लिए। तो यहाँ पे आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया है बट आई होप कुछ यूजफुल हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।